मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने कोरोना मरीजों की निगरानी के लिए बनाए गए रिस्पांस टीम तथा सीएससी और पीएससी के अधीक्षकों के साथ वर्चुअल मीटिंग किया तथा अब तक किए गए उपचार तथा मरीजों को सुझाव के संबंध में चर्चा की। वर्चुअल मीटिंग में सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने सभी आरआरटी को निर्देशित किया कि कोरोना मरीजों के इलाज में कोई भी चूक न होने पाए, होम क्वारंटीन किए गए लोगों का ध्यान रखा जाए तथा दिन में दो बार उनसे बात कर उनकी तथा उनकी समस्याओं को सुनकर उसका निदान किया जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने कहा। हाँ शुरू कर दीजिए, पूछते रहिए सर। आज रूरल को पहले ले रहा हूँ सर। हाँ लेकिन एक दो चीजें मुझे बोलनी है और बाद में मैं इस पे डिटेल में बोलूंगा। मेरी एक आपसे सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज इसको सब लोग, सारे एमओसी और जितनी हमारी टीम है, इसकी जो सिचुएशन है, जो हमारे स्टेप्स है, बड़े थॉट प्रोसेस के बाद दिए जा रहे हैं तब से, और साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड हमारी अप्रोच है। इसके सक्सेस में हर किसी का रोल है, स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास फोर, फ्रॉम अपना जो एम्बुलेंस के ड्राइवर है उनको ले लीजिए, एंड तक, टॉप तक, डीएम तक। अगर हम लोग सब अपनी ड्यूटी बहुत सिंसियरली करेंगे तो हम इस पर जरूर सक्सेस हमें मिलेगा। अभी हम लोग 3 घंटे का एक सेमिनार प्राइवेट डॉक्टर और बीआरडी का कंप्लीट करके आए हैं और उसमें बहुत ही साइंटिफिक चीज़ें बताई गई है। कोरोना बहुत आराम से मैनेज किया जा सकता है अगर टाइमिंगली टेस्ट हो जाए और टाइमिंगली वो डॉक्टर की सुपरविजन में आ जाए। लेकिन वो क्या रहा है, बिकॉज कोहेशन में हम काम नहीं करते, कभी एक दूसरे पे टाल देते हैं, तो उसमें जो डिले है वो पेशेंट के लिए बहुत महंगा पड़ता है। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ इसको सेंसिटिविटी के साथ और एक संवेदना के साथ लीजिए और पेशेंट की पीड़ा को समझिए, उस फैमिली की पीड़ा को जरूर समझिए आप। फिर बात, और जब तक डॉक्टर नंद कुमार जी आपका पूरा टेस्टिंग का रिव्यू ले लेंगे, टेस्टिंग का नंबर आज कितना हुआ भी पता लग जाएगा, कितना बड़ा कितना कम हुआ, हमें हर हाल में 5,000 अचीव करना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। की जा रही है जो भी आरआरटी के हैं रैपिड टीम के, उसके लिए क्या ये वर्चुअल मीटिंग जो हम करते हैं, हम रोज करते हैं, डीएम साहब और मेरे द्वारा इसको रिव्यू किया जाता है कि जितने भी हमारे पीएचसी सीएचसी अधीक्षक हैं और जिले के जितने डॉक्टर जो कोविड मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं उनको सब का रोज का जो हम लोग, उन्होंने क्या किया, क्या उनके कितने टेस्ट किए, कितने घर विजिट किए, कितनों को दवाई दी, जो भी प्रोटोकॉल है क्या वो फॉलो कर रहे हैं, हम उसका रोज एनालिसिस रिव्यू करते हैं और अगले दिन के हम निर्देश देते हैं। जब जैसे कल के जो टेस्ट होने हैं वो अभी निर्देश दे दिए जाएंगे। तो और जो हमें कोई समस्या बताता है उस पेशेंट की, और ये भी पूछते हैं कि कौन सा पेशेंट आपके एरिया में क्रिटिकल है जिसको अभी हमें शिफ्ट कराना है हॉस्पिटल में, तो वो हमें डॉक्टर्स बता देते हैं और हम उस पर तुरंत कार्रवाई करते हैं।